इस वीडियो में हम जान सकेंगे कि इंसानी गलाजत या फुसलात के साथ क्या होता है। दुनिया की एक तिहाई से ज्यादा आबादी की टॉयलेट्स तक रसाई नहीं है, जिसकी वजह से इंसानी फुसला इंसानों की तरजीहात से अलग रहता है। इसके नतीजे में हर साल लाखों लोग आबी बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। जहाँ जहाँ लोगों की टॉयलेट तक रसाई है, वहाँ लोग ज्यादातर फ्लश सिस्टम को अपना चुके हैं, जिसमें लोगों का फुजला और पेशाब पानी के जरिए बह जाता है। सफाई के तरीकों को जानने से पहले हम टॉयलेट्स बनाने के मुनासिब तरीके देख लेते हैं, जिनमें ज्यादा पानी भी न बहे और जमीन को जरूरी अज्जा भी वापस मिल सके, ताकि जरासीम से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। एक खाद बनाने वाला या कंपोस्टिंग टॉयलेट भी यही कुछ करता है। अभी ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पानी कम हो या फुजलात की निकासी का सही निजाम मौजूद ना हो। अगर कंपोस्टिंग टॉयलेट्स फ्लश सिस्टम की जगह ले लें, तो दुनिया भर में तवानाई और पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार की बचत की जा सकती है। ये हवानामी या हवाबाश यानी एरोबिक बैक्टीरिया, या यूं कहिए कि ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाले बैक्टीरिया की मौजूदगी में काम करके गलाजत को बीमारियों से पाक खाद में तब्दील कर देते हैं और अज्जा को वापस मिट्टी में शामिल कर देते हैं। फ्लश टॉयलेट्स में फुजला पानी के साथ मिलाकर नालियों में बहा दिया जाता है और ये पानी सफाई के लिए सीवेज की तरफ भेज दिया जाता है। इसका काम ये होता है कि पानी से मर्ज आवर अज्जा और फुजला अलहदा कर लिया जाए, ताकि दरियाओं में साफ पानी दाखिल हो सके। इसके मराहिल ये हैं। सबसे पहले जालियां गटर के पानी में मौजूद बड़ी जसामत वाले अज्जा को अलहदा करती हैं। इसके बाद गंदा पानी आहिस्ता आहिस्ता हल्की रफ्तार में आगे बढ़ता है, ताकि इसमें मौजूद कंकरियां नीचे बैठ जाएं। उसमें मौजूद ठोस जर्रात, जो ज्यादातर फुजला होते हैं, तरसीबी यानी सेडिमेंटेशन टैंक में बैठ जाते हैं और फिर उन्हें एनारोबिक डाइजेस्टर्स में भेज दिया जाता है, जहाँ बैक्टीरिया उनमें मौजूद कुछ कार्बन को मीथेन में तब्दील कर देते हैं, जो पंप्स और मशीनों को दरकार बिजली बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। बाकी बच जाने वाला गारा सुखाया जाता है और जरखेज खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर सनती फुजला भी उन्हीं घरेलू नालों में आकर मिलता हो, तो बच जाने वाले गारे में भारी धातुओं और दीगर आलूदगियों की मौजूदगी हो सकती है। इस खाद से फिर लैंडफिल्स की भराई करनी चाहिए। पानी में मर्जावर बैक्टीरिया इस दौरान भी मौजूद हो सकते हैं और उसे मजीद सफाई की जरूरत हो सकती है। पहले पानी में से हवा गुजारी जाती है, जिसकी वजह से हवाबाश बैक्टीरिया की नशुनुमा होती है। इसके बाद पानी को पत्थरों पर टपकाया जाता है, जहां दूसरे जानवर बैक्टीरिया को खाते हैं। इसके बाद सेडिमेंट टैंक्स में मजीद गारा भर जाता है और पानी आहिस्ता आहिस्ता रीड बेड्स में से गुजरता है, जहां बाकी बच जाने वाले मर्जावर भी तकसीद यानी ऑक्सीडेशन के जरिए खत्म हो जाते हैं। तो याद रखिए कि जमीन पर मौजूद सिर्फ दो तिहाई लोगों को ही टॉयलेट्स की सहूलत मुयस्सर है। इनमें से ज्यादातर फ्लश सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा पानी जाया हो जाता है। इस इस्तेमाल शुदा पानी को सीवेज वर्क्स में साफ करने के बाद दरियाओं में डाला जाता है, और बीमारियों से पाक इंसानी फुजला फसलों के लिए खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें सनती फुजला शामिल ना किया जाए।